नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बिग्गा, किल्ला और हेक्टर जो होते हैं उसमें अंतर क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको। ये बिग्गे कई स्टेटों में छोटे भी है, कईयों में बड़े भी है। किले या एकड़ ये पंजाब या अन्य स्टेट में भी चलते हैं, और हेक्टर, इन तीनों का अंतर मैं बताऊंगा। इसकी चौड़ाई है वो भी 165 फुट, और इसकी लंबाई होती है वो भी 165 फुट। और जो किला होता है जो पंजाब में या अन्य स्टेट में चलता है, उसकी जो चौड़ाई है वो होती है 198 फुट, और इसकी जो लंबाई होती है इधर वाली ये होती है 220 फुट। हेक्टर में मैं बताऊं तो हेक्टर में मीटर में आती है। हेक्टर 100 मीटर इधर से और 100 मीटर इधर से, ये 100 मीटर चौड़ा 100 मीटर लंबा वर्गाकार होता है। बिग्गा है वो भी वर्गाकार है, 165 फुट 165 फुट, ये भी वर्गाकार है। किला है वो 198 फुट और 220 फुट, ये अंतर होता है। अब मैं बिग्गे में बताता हूँ। बिग्गे में छोटी जो इकाई होती है सबसे, उसको कहते हैं बिसवा। तो ये अपने एक बिसवा होता है, ये मैं एक बिसवे की चौड़ाई मान लेता हूं यहां से यहां तक, ये होती है 8.25 फुट, और इसकी लंबाई जो है वो 165 फुट ही रहेगी। एक बिसवे की जो चौड़ाई है वो 8.25 फुट होती है, और ये टोटल एक बिगे में 20 बिसवा हो जाते हैं, एक बिगा में 20 बिसवा। अब बिग्गा होता है उसको करते हैं 165 फुट चौड़ा, 165 फुट ही लंबा है, तो इनको गुणा करते हैं तो ये इसका 27,225 ये वर्ग फुट में इतना इसका एरिया होता है। और अपने इससे विश्व का निकालें तो विश्व का होता है 13,61.25, ये वर्ग फुट, ये भी वर्ग फुट, ये भी वर्ग फुट में होगा, ये एरिया इसका होता है। और जो किला होता है, किले में क्या चलता है, मरला बोलते हैं, मरला, ये मरला होता है ऐसे, ये यूं मरले होंगे, ये एक लाइन में 12 मरले, ऐसे 12 मरले आ जाते हैं। और इसका लंबाई और चौड़ाई में बताऊं तो इसकी ये जो चौड़ाई ये 16.5 फुट, और ये भी 16.5 फुट, यानी 16.5 फुट इधर से 16.5 फुट, ये वर्गाकार होता है। और ऐसे वर्गाकार के टुकड़े 12 इस लाइन में आ जाते हैं, ये मरला हो गया। और किले का जो पूरा इसका क्षेत्रफल है वो होता है अपने करें 198 गुणा 220, तो इसका बराबर आता है 43,560 वर्ग फुट, ये वर्ग फुट में इतना आ जाता है। और हेक्टर का निकालें अपने, तो हेक्टर में क्या होता है कि 100 इधर है 100 इधर है, तो 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर, 100 मीटर 100 मीटर को करते हैं गुणा, तो आपसे ये आता है 10,000, 10,000 वर्ग मीटर। और 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टर होता है। अब मैं इसी में ही बिग्गे में अगर मरला आपको बताऊं, तो मरला जो होता है 16.5 फुट का है, और बिसवा की चौड़ाई है वो 8.25 फुट है, ज्यादा बड़ा होता है, 16.5 फुट का होता है, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा। ये 8.25 फुट है, तो एक मरला यहां से लेके यहां तक 16.5 फुट हो जाता है। तो एक बिसवे के अंदर 5 मरले होंगे, ऐसे 10, यूं 10 आएंगे, ये इसमें बिग्गे में लंबाई में यूं 10 आएंगे, 10 इधर आ जाएंगे, कि मरले और बिसवा तो आ गए। अब इसके बाद में आता है कनाड़, राजस्थान में कनाड़ चलती है,
जो कनाल की लंबाई लंबाई तो 165 फुट ही होगी, और जो चौड़ाई होती है कनाल की, एक कनाल की चौड़ाई होती है वो 33 फुट, एक कनाल की 33 फुट चौड़ाई होती है। अगर इधर किलो में भी देखें तो किलो में एक कनाल की लंबाई तो 198 फुट होगी, और जो चौड़ाई आएगी एक कनाल की वो आएगी 27.5 फुट, 27.5 फुट, 27.5 फुट इसकी चौड़ाई है एक कनाल में, किले के हिसाब से देखें तो। और अब आपको मैं छोटी छोटी और बातें बता देता हूँ इनके अलावा, किले भी पता लग गया, विश्व भी पता लग गया, मरले का भी पता लग गया, मरले का साइज क्या है, विश्व का साइज पता लग गया, और कनाल का भी पता लग गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका पूरा थोड़ा, जैसे अपने ले लें भी, एक बिस्वा ले लेते हैं, एक बिस्वा, एक बिस्वा बराबर, एक बिस्वे की लंबाई चौड़ाई चाहे इधर में लेंगे तो ये लंबाई बढ़ गई तो चौड़ाई कम हो गई। इसी प्रकार एक बिस्वे में जो होता है वो पांच मरला होता है, पांच मरला। और अगर मैं एक मरला लूं, एक मरला 16.5 × 16.5 बराबर ये हो जाता है 272.25 वर्ग फुट, वर्ग फुट। और इसी का अगर अपने विश्वे का निकालें तो इसका आ जाता है 13.61.25 वर्ग फुट। अब आगे और चलते हैं, आगे आ जाती है कनाल, एक कनाल, और एक कनाल को देखते हैं तो एक कनाल बराबर 54.45 ये होता है वर्ग फुट इसका एरिया। और इसमें चार बिस्वा और 20 मरला, एक कनाल में इतना इसका वर्ग फुट एरिया आ गया। एक कनाल में चार बिस्वा होता है, एक कनाल में 20 मरला होते हैं। एक बीघा में, मैं यहां बीघा लिख देता हूं, बीघा 20 बिस्वा 100 मरला और 5 कनाल। अब अपने आते हैं किले पे, एक किला, किला भी कहते हैं, एकड़ भी कहते हैं, इसमें होते हैं 32 बिस्वा 160 मरला और 8 कनाल। एक किले में 32 बिस्वा 160 मरला और 8 कनाल हो जाती है इसमें। और एक हेक्टर में देखें तो हेक्टर में 80 बिस्वा और 400 मरला 20 कनाल। चार बीघा, एक हेक्टर में चार बीघा और 2.47 किला, लगभग ढाई मानते हैं, ढाई किला, यानी एक हेक्टर में चार बीघा 2.47 किला होते हैं। अब आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ इसमें, ये हेक्टर में एरिया हो अपने, ये स्क्वायर फुट में है, ये भी स्क्वायर फुट में आ गया, हेक्टर में इसको तब्दील करना है तो कैसे करते हैं। हेक्टर में करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो वर्ग फुट एरिया आया है ना, तो अपने वर्ग फुट जितना एरिया ये वर्ग फुट का आया है इसको भाग दे देना है, भाग 10.76.39.1 वर्ग फुट को भाग दे देना है 10.76.39.1, तो बराबर हेक्टर में आ जाएगी वो संख्या है जो हेक्टर में आ जाएगी। अगर आपको हेक्टर को वर्ग फुट में कन्वर्ट करना है तो जितना हेक्टर है, जैसे ये एक हेक्टर है, तो इसको गुणा कर देना है इसी संख्या से 10.76.39.1, तो बराबर वर्ग फुट में एरिया आ जाएगा।
ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।